नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्षद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्षद क्रिएशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी को भी एक प्राइवेट नंबर से कॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। प्राइवेट नंबर जो दोस्तों आप जानते हो क्या होता है, प्राइवेट नंबर जो होता है आप किसी को भी कॉल करते हो तो आपका नंबर रियल आइडेंटिटी आपके उसके पास नहीं जाती है। उसके बाद या तो लिखा हुआ आता है दूसरे फोन पर प्राइवेट नंबर या लिखा आता है अननोन नंबर, यानी जब आप उसको कॉल करते हो उस पर नंबर शो नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जब आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है तो उसकी आपकी कॉल आती नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्राइवेट नंबर का यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते अपने प्रैक्टिकल सेक्शन की। और दोस्तों, एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, इसका बिल्कुल भी मिसयूज़ ना करें। और दोस्तों, मेरा चैनल जो है किसी भी लीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप कोई भी इस ट्रिक का, कोई भी लीगल एक्टिविटी या आप कुछ भी गलत यूज़ करो तो आप इस ट्रिक के रिस्पॉन्सिबल खुद होगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से प्राइवेट नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलें। इससे ये होगा दोस्तों कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आप लोगों तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने दो फ़ोन हैं और मैं इस सैमसंग वाले फ़ोन पर आपको एक प्राइवेट कॉल कर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप किसी को भी प्राइवेट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन से इस नंबर को मैं डायल कर रहा हूँ जो मैंने ले रखा है। यहाँ पर मैं दोस्तों कोई ऐप का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर आपने वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर ऐप के जरिए बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ ऐप के जरिए ही डायरेक्ट बताऊँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कॉल आ चुकी है। मैं थोड़ा कैमरे को क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर जो है प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर नंबर शो नहीं हो रहा है, कॉल आ गई है। दोस्तों, किस तरीके से कॉल आई है वो मैं आपको अब इन डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आप प्राइवेट नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत ही आसान तीन तरीके होते हैं। पहले सबसे पहले दोस्तों जो होता है, सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन का जो होता है डायलर खोलने के बाद आपको इसमें सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एडवांस सेटिंग खोलना होगा। एडवांस सेटिंग खोलकर नीचे जाकर आपको देखो कॉलर आईडी का ऑप्शन आएगा, इसमें आप अपनी सिम सेलेक्ट कर लें जिसको आपको प्राइवेट नंबर बनाना होगा। फिर उसके बाद हाइड नंबर पर सेलेक्ट टैप कर लें। जब आप इसको टैप कर देंगे तो आपका जो नंबर हाइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कॉल करने के लिए आपको एक ब्लॉक नंबर की आपको ज़रूरत होगी, जैसे कैनेडा का जो होता है *67 होता है। दोस्तों, कैनेडा का जो ब्लॉक आईडी नंबर होता है वो *67 होता है और आपका जो यूएस का होता है दोस्तों *141 होता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर इंडिया में, तो इंडिया की बात करने वाला हूँ आपको किस तरीके से कॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले *31 फिर हैश, फिर उसके बाद अगर दोस्तों आप लॉन्ग डिस्टेंस पर लगाना चाहते हो तो 91 टाइप कर सकते हो। दोस्तों, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर आप कॉल नहीं करते हो अपने फ्रेंड को या आस पड़ोस में करते हो जैसे लोकल के लिए, तो आप उसमें हम 91 भी यूज़ नहीं करो तो भी चलेगा। यहाँ मैं रेंडमली नंबर ले लेता हूँ, कॉल करोगे तो दोस्तों प्राइवेट नंबर पर कॉल जाएगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि इस मेथड से आपका अगर फ़ोन एक्सेस नहीं लेता है तो उसके लिए आपको दूसरा तरीका जो कि लास्ट तरीका उसको यूज़ करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक रिटर्न परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, आपको अपने कस्टमर केयर को एक एप्लीकेशन देनी होगी, वो वहाँ से आपको रिटर्न परमिशन देगा, फिर आप एक्सेस ग्रांटेड कर सकते हैं। आई होप आपको प्राइवेट नंबर के बारे में इनडेप्थ मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए टेक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।